मैंने नहीं सोचा था इसको तो दो लाख ला बोलते नहीं है, बहुत वफादार है। वफादार है, नहीं है इतने वफादार हैं अपने औलाद भी नहीं है बहुत वफादार हैं और लक की बात नहीं है हार्ड वर्क जरूरी है इसमें लोग बागों ने बहुत ही इसको नीचा दिखाने की सोची कि क्या लगा रहा है क्या कर रहा है बागवानी में अगर कुछ मिलता तो लोग पता नहीं कब का लगा इनसे दूर नहीं जाता वहाँ से सिर्फ खाना खाता हूँ बस बाग में आ जाता हूँ रहता हूँ इन्हीं के पास इन्हीं से बातें कर अगर आपकी शिकायत है कि खेती से कुछ बचता नहीं खेती की बजाय हम कुछ भी कर लेंगे अपने बच्चों को हम खेती नहीं करने देंगे ये सोच आज का वीडियो देखने के बाद आपकी निश्चित तौर पर बदलने वाली है मैं आज आप लोगों को खेती का एक ऐसा मॉडल दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप 100% परसेंट खेती को अपना करियर जरूर बनाओगे विशेषकर वो किसान भाई या विशेषकर वो नौजवान जो खेती के अंदर आना चाहता है खेती को अपना करियर बनाना चाहता है नमस्कार दोस्तों मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर आप हैं मिस्टर इंद्रजीत यादव हरियाणा के एक छोटे से गांव के अंदर आप रहते हो आपके एरिया के अंदर जहां पर पहले परंपरागत खेती होती थी आपने लीक से हटकर खेती के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए खेती के मॉडल को आपने इस तरह से तब्दील किया कि आज आपकी खेती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और वो आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखिए कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपका सोया हुआ आत्मविश्वास निश्चित तौर पर एक बार फिर जाग उठेगा तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इससे आगे फिर अपन शुरुआत करेंगे इस बागवानी की कहाँ से स्टार्ट हुई और जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी अभी आगे सर मेरा नाम इंद्रजीत है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर छोटा सा गाँव है शैरपुर मेरा नाम सुनीता देवी है मैं और मेरे हस्बैंड इस बाग की देख कर रहे हैं हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं और हम बहुत ही खुश हैं मैडम आपके दिमाग में ये कब आया कि हमें खेती करनी चाहिए क्योंकि भाई सब आर्मी के अंदर जॉब करते थे आप भी इनके साथ बाहर शहरों में रही शहरी कल्चर भी आपने सीखा फिर आप अचानक खेती के अंदर आकर इस तरह से ये काम करना सर क्या है न कि मेरे हस्बैंड आर्मी पर्सन है इन्होंने अपनी नौकरी ईमानदारी से की सत्रह साल की इन्होंने कहा कि अब बस हो गया मेरे को आगे नौकरी नहीं करनी है मुझे रिटायर लेना है तो मैंने कहा ठीक है तो घर चल के क्या करेंगे बोली हमारे पास कुआ है ज़मीन है कुछ भी सोचेंगे लेकिन मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है क्योंकि मैंने एक जॉब कर ली है एक्सपीरियंस हो गया है अब कुछ अपने घर की खेती में जा करेंगे इन्होंने आके देखा इधर फिर इन्होंने पूछा कई लोगों से सभी ने बताया कि ये सब बाग वगैरह सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपने गांव देहात में यही अपना जो पुरानी रीति रिवाज हैं यही चलता आ रहा है गेहूं सरसों बाजरा तो इन्होंने सोचा कि इससे कुछ हट कर किया जाए सभी लोग करते हैं थोड़ा सा सोच बदलेंगे तो हो सकता है हम कामयाब हो जाएं पर लोग बाग सोच रहे थे अब ये कब ये फैलो क्योंकि यार लोगों का दूसरों की बातें ज़्यादा करना अपने काम से मतलब रखना नहीं है पर मैं तो अपनी मेहनत पर विश्वास करता था Uh, मेरा काम था मेहनत करना देखिए मेरे बाग में पंद्रह से सोलह वराइटियाँ हैं जिसमें से अनार है अंजीर है माल्टा है संतरा है काफ़ी वरायटियाँ हैं जिसमें से हमारा एक छोटा सा पौधा लेके आए थे हम सेब का भी हमने सोचा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है दो साल में इन्होंने इसने फ्रूट भी दिया है जो कि बहुत ही टेस्टी था जैसे मेरे बाग में दो मेन क्रॉप हैं अमरूद और नींबू अमरूद की मेरी सेलिंग स्टार्ट है और तीन साल के अंदर नींबू की पी हो जाएगी जिससे कि हमारी आमदनी डबल हो होगी पौधा ताइवान पिंक है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो नहीं पर डे का दो से ढाई क्विंटल हम लोग मार्केट भेज देते हैं लेकिन गाँव भर में भी लोग बाग फ़ोन पर फ़ोन करके बोलते हैं हमें यही फ्रूट चाहिए किसान भाइयों इनके बाग की जो फ्रूट क्वालिटी है वो इतनी जबरदस्त है कि मेरे को यहाँ पे आए हुए लगभग दो घंटे हो चुके हैं और मेरे सामने इनके फोन है ना वो लगातार दन दन आ दना जो सबसे मोटी प्रॉब्लम आती है ना किसानों को कि उनको मार्केट नहीं मिल पाती मतलब अपने उत्पाद को वो तैयार तो कर लेते हैं लेकिन उनको वो बेच नहीं पाते लेकिन इनके साथ उसका उलट है इनके पास माल शॉर्ट पड़ रहा है कम पड़ रहा है जबकि इनके खरीदार है ना बहुत ज़्यादा हैं जुलाई महीने से ये मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी और एक जुलाई महीने के अंदर मैंने दो लाख रुपए की इनकम ले ली और अब ये चल रहा है और नवंबर तक नवंबर दिसंबर तक जब इसका बीच में पीक भी स्टार्ट रहेगा अब धीरे थोड़ा डाउन पड़ेगा उसके बाद ये नौ इकतीस दिसंबर तक मैं इस दो एकड़ से दस लाख रुपए की इनकम ले लूंगा देखो ये हमारी जो जगह खाली बस्ती है इसमें जैसे हम पौधों की कटाई वगैरह कर देते हैं खाली हो जाता है पतझड़ हो जाती है तो हम इसके अंदर जैसे खरबूजे वगैरह लगा देते हैं पिछले साल हमने लगाए थे इसमें खरबूजे और वो उन्होंने अच्छी इनकम दी थी जैसे समथिंग एक लाख के आसपास पास पहुंच गई थी और देखो ये मिर्ची वगैरह भी लगा रखी है ये भी देखो कितनी अच्छी हो रही है तो हम खाली जगह भी वेस्ट नहीं जाने दे रहे इसमें से कुछ ना कुछ हम करके अपना इनकम देखो हमारे बाग में हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है जो कि आप बहुत ही आसानी से पौधों के पास पानी चला जाता है कोई मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता जितनी उनको जरूर रहता है उतना चला जाता है दवाई वगैरह हुई जो भी है इन्हीं के जरिए चली जाती है बहुत आसानी से जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं होती दो चार चीज़ों पे ध्यान है इससे ज़्यादा कुछ नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे प्रैक्टिकल तौर पे होगा तुम्हारे साथ नहीं आपने इसमें नई टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है सर ड्रिप से लेके ऊपर तक नई नई टेक्नोलॉजी है लोग सोचे यार उससे क्या पानी देगा यार वो तो वो उससे पौधा के लिए कहाँ दिक्कत आएगी नहीं, नहीं। सर ऐसा है कि इसको हमारे मुंह में ज्यादा खाना घुस दोगे जी तो उल्टी फेंकोगे ना और इसके अंदर ये आराम से इस हिसाब से चला जाएगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिलाओ किसी भी को तो अच्छा खाएगा अच्छी इसकी परवरिश होगी और कुछ नहीं है ड्रिप से इसका पूरा खाना पीना इसके मुंह के आगे लग गया लेमटोड वगैरह की समस्या नहीं है नहीं है अपने कुछ भी वैलम प्राइम वगैरह वगैरह वेरी गुड वेरी, वेरी है वो दवाई इसमें डालो अच्छा अपने दूसरा दिमक की आगे क्लोरो इतने ज्यादा सिस्टम में कहाँ से दोगे आप जी इससे ज्यादा सिस्टम से इतने पौधों में दे नहीं सकता कितने भी लेबर लगा दो ड्रिप से जाएगी कि वेंचुरी के थ्रू दूसरा आपने ये नीचे फ्लैट सरफेस मतलब यूं जमीन के अंदर ना लगा के और ये बिल्कुल जमीन से लगभग आपने दो फीट ऊपर है ना ये बेड बना रखा है बेड बनाया और... हुआ है हाँ। ये मेरा मेड लगभग तीन फुट के आसपास है ये थोड़ा कट जाता है बारिश के मौसम में तो इसको मैं थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में ये फिर सेटिंग कर लेता हूँ इससे क्या बेनिफिट मिला आपको मतलब बेनिफिट ये होगा कि इसको हमको ये मिट्टी है ये फोली हो जाती है और जड़ें ग्रोथ करने में बहुत अच्छा जल्दी प्रोग्रेस करती हैं जड़ें और इसके पास पानी नहीं भरेगा अगर पानी ज्यादा भी दिया गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जाएगा और जड़ें, जड़ें इसकी ये गड़ेंगी नहीं जितना समझो कि ताइवान पिंक मजा देता है उतना कोई भी नहीं दिया अब मैं बताता हूँ दोस्तों इस बाग की कामयाबी का राज एक तो ये जब बाग लगाए थे इसके अंदर बढ़िया पौधे लाए गए थे बढ़िया नर्सरी से वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में आगे कहाँ से ये पौधे आए थे दूसरा इस बाग को जब लगाया गया था तो नीचे फ्लैट सरफेस के ऊपर ना लगा के इसको ज़मीन से लगभग ढाई फिट ऊपर मतलब बेड बनाकर इन पौधों को लगाया गया था दूसरा इसके अंदर टेक्नोलॉजी का भी समावेश बहुत अच्छे से कर रखा है जैसे कि ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करना उसी के माध्यम से जितने भी फर्टिलाइज़र देने हों कोई भी पेस्टिसाइड इनकी जड़ों के अंदर डालने हों वो भी ड्रिप के माध्यम से होता है इसके अंदर फिर मैंने अगला जो देखा कि अक्सर बाग के अंदर जो नुकसान होता है वो होता है बाहर से आने वाले पक्षियों से तो इस बाग के अंदर पूरे दो एकड़ प्लॉट पे जाल बिछा रखा है जाल का जो खर्च मैंने भाई साहब इंद्रजीत भाई से पूछा तो इसने बोला कि मैंने इसके अंदर जीआई पाइप लगा के और तभी जाल लगा रखा अगर कोई किसान जिनके पास कम बजट हो वो बांस भी खड़े कर सकता है अगर आप बांस लगा के और इस तरह से ये जाड़ ऊपर बिछाओगे तो टोटली जो आपका एक एकड़ का कॉस्ट आएगा वो आएगा साठ हज़ार रुपये का साठ हज़ार रुपये अगर आपने एक टाइम पे लगाए उस टाइम पर आपको थोड़ा अखरेंगे लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं आपको उसी टाइम पे उसका जो रिफंड है ना वो दोगुना गुणा मिल जाए बात करते हैं दोस्तों इस बाग के अंदर जो भी फलदार पौधे लगाए हुए हैं वो इंद्रजीत भाई किस नर्सरी से लेके आया था और उस नर्सरी वाले का योगदान इस बाग को सक्सेस कराने में कितना परसेंट रहा है जो ये मेरे बाग में जो ये पेड़ लगे हुए हैं ये सब में हमने जय हिंद नर्सरी से लिए हैं और जो कि भिवाड़ी में है और जो भैया अनिल हैं उनका पूरा योगदान है वो बोलते हैं ना जो कार्य करते हैं तो सही गाइडेंस मिलती है तो वो चीज़ कामयाब हो जाती है उन्होंने हमें जब भी दिक्कत हुई तो जैसे ही फ़ोन किया उन्होंने अच्छे से हमें समझाया कि ऐसे लगाने हैं इनकी ऐसे केयर करनी है जब भी इनको कुछ तकलीफ होती तो हम फ़ोन करते वो फ़ोन उठाते हमें बताते इनका पूरा मतलब पूरा योगदान दिया उनसे जितनी हेल्प हुई उन्होंने की हमारी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्प की क्योंकि आजकल एक बार बताने के बाद कोई भी कांटेक्ट में नहीं रहता लेकिन वो आज तक हैं और आते हैं देखते हैं बाग को और बाग को देख के उनको खुशी भी बहुत होती है क्योंकि उन्होंने जैसे बताया हमने सेम वैसे ही किया उन्हों, उन्होंने अच्छी गाइडलाइन दी है और हमारा आज बाघ कामयाब तो दोस्तों अब मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ आप लोगों को इस बाग के अंदर जो पौधे जहाँ से आए थे जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी से उसके ऑनर मिस्टर पपिल यादव नमस्कार किसान साथियों मेरा नाम पपिल यादव जय हिंद नर्सरी से और जो ये बाग लगा था ये दो साल पहले बाग लगा था ये दो साल पहले बाग लगा था और ये पौधे हमारी नर्सरी से ही गए थे जय हिंद नर्सरी से जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो भी किसान साथी हमसे पौधा लें वो 100 परसेंट औरिजिनल पौधा लें और डिजीज़ फ्री पौधा लें जो हमारी नर्सरी पर जो पौधे मिलते हैं वो सारे फलदार पौधे मिलते हैं और इसमें भी वेराइटियाँ देते हैं हम ऐसा नहीं है कि कोई भी पौधा उठा के दे दिया हर पौधे की अलग वेरायटियाँ होती है अलग खासियत होती है और जो हमारे लगाए हुए अब तक बाग हैं उसमें से नाइन्टी सक्सेस होता है क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है हमारे कस्टमर को लेके वो हंड्रेड परसेंट होता है जो हमारी नर्सरी का एड्रेस है वो है अलवर भिवाड़ी राजस्थान भिवाड़ी में स्थित है और आप कभी भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहिंद नर्सरी नाम से तो उस चैनल पे हम बागवानी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय हिंद नर्सरी के कांटेक्ट नंबर हैं आप वहां पे संपर्क कर सकते हो साथ ही स्क्रीन पर जो चल रहे नंबर है उनसे भी आप संपर्क करके या व्हाट्सअप करके और इन पौधों से रिलेटेड या फिर बागवानी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में शंका हैं या कोई प्रश्न है उनको आप पूछ सकते हो धन्यवाद